सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो देखिए बच्चों, कल जो है हम लोकसभा की कार्य अधिकार और शक्तियाँ पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने उसकी विधायी शक्ति पढ़ी, अर्थात कानून निर्माण की शक्ति पढ़ी। उसके बाद जो है मैंने उसकी लोकसभा की जो है वित्तीय शक्तियाँ पढ़ी कि वित्तीय शक्तियों में लोकसभा की क्या कार्य और भूमिका रहती है। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राज्यसभा बिल्कुल गौण और नगण्य है, ये भी हमने आपको बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर और सभी विधानमंडलों की साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि लोकसभा की भूमिका कार्यप्रणाली में भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मैंने एक चीज़ आपको कल भी बताई थी कि व्यवहार में पूरा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, लेकिन प्रत्येक लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति के प्रति हाँ तो बेटा ध्यान से देखिए कि कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति हम पढ़ रहे हैं लोकसभा की कार्य और शक्तियों के बारे में। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रहता है कि व्यवहार में पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन विशेष कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक लोकसभा सदस्य को राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। अब इसके बाद मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त रहता है। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों का जो है विश्वास प्राप्त रहता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है देखिए लोकसभा की जो फोर्थ पॉइंट आता है उसकी कार्य और शक्तियों का, वो है संविधान में संशोधन की शक्ति। तो देखिए लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। लेकिन अगर संविधान के कुछ विशेष कंडीशन में अगर संशोधन करना हो, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में अगर हमें संशोधन करना है, तो आधे से अधिक विधानमंडल, जितने भी हमारे संघीय सरकार की विधानमंडल हैं, विधानसभा हैं, उनकी भी आधे से अधिक राज्यों की जरूरत होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में अगर संशोधन करना हो। तो संविधान में संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 में उल्लेखित है। संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन की शक्ति का भाग 18 में वर्णन किया गया है और 368 में संविधान की संशोधन की शक्ति दी गई है। इसके बाद निर्वाचन मंडल के रूप में लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा के साथ मिलकर और सभी विधानसभा सदस्यों के साथ मिलकर एक निर्वाचन मंडल के रूप में भाग लेती है। जैसे आर्टिकल 54 में हम कह सकते हैं कि लोकसभा सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों के साथ, कहने का मतलब यूँ है सभी निर्वाचित सदस्य चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों या फिर विधानमंडल के सदस्यों, सभी निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद
इसके बाद हम कह सकते हैं कि लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। आर्टिकल 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का जो है चुनाव करते हैं। अब लोकसभा की कार्य और शक्तियां हमने पढ़ी, इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा के कार्य और शक्तियों की। लोकसभा की सभी कार्य और शक्तियां हमने पढ़ी, इसके बाद हम बात कर रहे हैं राज्यसभा अर्थात द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठों का सदन के बारे में, किनका जो है कार्य और शक्तियां क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि विधायी शक्तियों, विधायी शक्तियों का मतलब कानून निर्माण की शक्ति। तो कानून निर्माण की शक्तियों में इनका इनका जो है बराबर रूप से भागीदारी रहती है। संविधान के साथ मिलकर राज्यसभा विधि निर्माण संबंधी कार्यों में क्या करती है, भाग लेती है। विधि का मतलब होता है कानून निर्माण की शक्ति, संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अद्वितीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की। हमारे संविधान में अवित्तीय विधेयक मतलब साधारण विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर सभी प्रकार के विधेयकों में क्या करती है, ये अपने द्वितीयाई बहुमत से कुल सदन में उपस्थित व्यक्तियों के द्वितीयाई बहुमत से क्या करती है, बराबर रूप से भागीदारी निभाती है। केवल धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक का अधिकार आर्टिकल 109 में मैंने आपको कल बताया किस सर्वोपरि अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास। तो धन विधेयक अर्थात अवित्तीय विधेयकों को छोड़कर अर्थात साधारण विधेयकों में बराबर रूप से भागीदारी निभाती है। कानून निर्माण में बराबर रूप से भागीदारी निभाती है कौन, राज्यसभा, बराबर शक्तियाँ है। अब बात करते हैं हम संविधान में संशोधन की शक्ति। इसके दूसरे नंबर की जो शक्ति है राज्यसभा की, संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति। देखिए संविधान में संशोधन की संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार और शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव क्या हो जाता, गिर जाता। संविधान में अगर संशोधन करना है तो बराबर रूप से दोनों सदनों की क्या होनी चाहिए, बराबर रूप से भागीदारी होनी चाहिए, तब जाके वो प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित और अनुमोदित माना जाता है, केवल धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है। अब बात करते हैं हम वित्तीय शक्ति की, हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर की जो शक्ति राज्यसभा की, वित्तीय शक्ति। तो मैंने आपको बताया कि वित्तीय शक्तियों में राज्यसभा का स्थान बिल्कुल गौण है, बिल्कुल नगण्य है। ये केवल धन विधेयक को जो लोकसभा में द्वितीय बहुमत से पारित होता है उसको केवल सिर्फ और सिर्फ 14 दिन रोकती है। इसके अलावा अगर कुछ सुझाव सहित लौटाती है 14 दिन के अंदर अंदर, उस सुझावों को लोकसभा माने या न माने लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। 14 दिन तक अगर राज्यसभा उस प्रस्ताव को, धन विधेयक को नहीं भी लौटाती तो वह स्वतः जो है पारित मान लिया जाता है। ये मैंने कल आपको लोकसभा की शक्तियों उसकी जो है कार्य प्रणाली के बारे में बताया था। राज्यसभा की कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, यदि भी संदर्भ में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई, मतलब कमजोर स्थिति है कि संदर्भ में वित्तीय शक्ति के संदर्भ में, और सब शक्तियों में वो बराबर रूप से भागीदारी निभाती है। संविधान में संशोधन वगैरह मैंने आपको बताया, कानून निर्माण अर्थात विधायी शक्तियों के रूप में भी बराबर रूप से भागीदारी निभाती है कौन, राज्यसभा। लेकिन वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बिल्कुल निर्बल गौण स्थिति है। आगे देखिए, संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित की जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर माने तो धन विधेयक का प्रस्ताव जो है सबसे पहले कहाँ पारित किया जाता है, लोकसभा के अंदर, ठीक है। उस प्रस्ताव को द्वितीय बहुमत से पारित करने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है, राज्यसभा उस प्रस्ताव में कुछ संशोधन करे या कुछ सुझाव, संशोधन तो कर ही नहीं सकती, उसमें सुझाव दे सकती, सुझाव को लोकसभा माने या नहीं माने उसको जो है क्या करना होता है, वापिस लौटाना होता है। नहीं लौटाते हैं तो उस प्रस्ताव को स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इसमें दिया गया है, लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक विधेयक पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। विचार कर सकती हो, सुझाव भी दे सकती है, सुझाव को माने या नहीं माने लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसका फोर्थ पॉइंट जो है राज्यसभा की शक्ति हम पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका। तो देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति किस प्रकार है राज्यसभा के पास, संस्थात्मक शासन व्यवस्था जो हमने ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड से ली है हमारे संविधान में, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा गया है, मैंने आपको बताया है लोकसभा को कहा गया है, लोकप्रिय सदन किसे कहा गया है, लोकसभा। तो संसद की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति क्या होती है, क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है व्यवहार में, ठीक है, सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद भी तीन प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। राज्य मंत्री ट्रेनिंग लेते हैं कैबिनेट स्तर की बनने के लिए, कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है वो अपने विभाग का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है, उसको इतना अधिकार और शक्तियां प्राप्त है कैबिनेट स्तर का। ध्यान दीजिएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। जो मंत्रिपरिषद होती है संस्थात्मक व्यवस्था में वो व्यवहार में किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवहारिक सदन के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से क्या करते हैं, केवल प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों से क्या कर सकते हैं, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। राज्यसभा के देखो मंत्रियों से प्रश्नता पूर्व प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। किनको, राज्यसभा के सदस्यों को, लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद है उनको हटाने का अधिकार नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर लाने का अधिकार नहीं है मंत्रिपरिषद को हटाने का। किनको नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है, राज्यसभा को नहीं है। अब हम विविध शक्तियां पढ़ते हैं, इसमें शक्तियों में हम बात करते हैं तो राज्यसभा की क्या क्या भागीदारी है हमारे संस्थात्मक व्यवस्था में। तो ये क्या करती है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर सबसे बड़ी बात है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। इसके साथ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं, दोनों बात, राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है, महाभियोग लगाना है, तो उनमें भी राज्यसभा के सदस्यों की जो है भागीदारी रहती है नहीं रहती। इसके बाद अब देखो अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को पद से हटाना है या पदच्युत करना है, सिद्ध कदाचार या दुराचरण के आधार पर सिद्ध पाया जाता है कि अमुक व्यक्ति या सर्वोच्च न्यायालय का माननीय न्यायाधीश ने दुराचरण किया है या अपने कार्य को अक्षमता के आधार पर प्रदर्शित किया है, तो पद से हटाने के लिए लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा भी क्या करती है, बराबर उसे भागीदारी निभाती है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया में शामिल रहती है, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित माना जाता है जो दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को क्या करते हैं, पारित करते हैं और अनुमोदित करते हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है राज्यसभा। देखिए ध्यान से सबसे बड़ी बात, राज्यसभा के पास विशेष शक्ति यह है कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, उस पर महाभियोग लगाने के लिए, उसको पदच्युत करने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को, मैं उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लिया जाता है, राज्यसभा न कि लोकसभा। फिर लोकसभा उसको क्या करे, सामान्य बहुमत से उसको स्वीकार कर ले, उस प्रस्ताव को पारित कर दे और अनुमोदित कर दे, तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति को पद से क्या होना पड़ता है, पदच्युत होना पड़ता है, पद से हटना पड़ता है। लेकिन संविधान में यह व्यवस्था है कि अपने पद को बचाने के लिए 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होगी, वो भी क्या कर सकता है, अपने बचाव पक्ष के लिए कोई वरिष्ठ वकील या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है कि मेरे से कौन सी गलती हुई, 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होती है। ध्यान दीजिएगा महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जो दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उस पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार, मैंने विशेष कंडीशन बताई आपको, राज्यसभा में लिया जाता है,
ठीक है। इसके बाद अब जब आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 में, आपातकाल लगता है राष्ट्रपति के द्वारा, आपातकाल लगता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल हम इसको कह सकते हैं आर्टिकल 352 में, ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाने के बाद एक महीने तक प्रभावी रहता है। एक महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा को क्या करना पड़ता है, इसको इस प्रस्ताव को पारित और अनुमोदित करना पड़ता है। पारित और अनुमोदित करने के बाद इसको अधिकतम राष्ट्रीय आपातकाल को या राष्ट्रपति शासन, जिसकी हम बात करेंगे दूसरी स्टेप में, राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356, आर्टिकल 356 लगता है, इसको अधिकतम एक माह प्रभावी रहता है, जहां तक कि लोकसभा और राज्यसभा प्रस्ताव को पारित और अनुमोदित ना कर दे। फिर इसको पारित और अनुमोदित करने के उपरांत इसको 6 माह बढ़ाया जाता है। 6 माह बढ़ने के बाद 1 वर्ष अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। और जब ये विशेष कंडीशन मैंने बताई, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं आर्टिकल 356 को, इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब लगा हुआ रहता है भारत की किसी भी संघ सरकार या किसी भी विधानमंडल में, किसी भी राज्य में, तो 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद अगर निर्वाचन आयोग ये अनुशंसा कर दे कि अभी जो है इस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति यहाँ तक पढ़ लिया, 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक रूप से विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। विशेष बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या का सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। सदन कुल सदस्य संख्या का उनमें से भी 2/3 बहुमत किनका, सदन में उपस्थित और मतदान प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोग, ठीक है, तब जाके ऐसा प्रस्ताव पारित होता है। आगे देखिए, देखिए राज्यसभा को हम उसकी कार्य और शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो जो 6 नंबर का विविध प्रकार की जो शक्तियां हैं, वो विशेष प्रकार की शक्तियां, विशेष अधिकार जो लोकसभा के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप, उसमें राज्यसभा के द्वारा ऐसे अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करता है, लोकसभा उसमें शामिल नहीं रहती है। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल 249 के अनुसार, आर्टिकल 249 क्या कहता है, कोई भी विषय जो राज्य स्तर का हो, देखिए इसमें आप, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्यसभा के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्य किसी भी राज्य के विधानमंडल के राज्य सूची के विषय को, किसको, मैंने कल तीनों सूचियां बताई, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट विधायी सूचियां, ठीक है, तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय स्तर का महत्व, राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सकती है, विशेष महत्व का घोषित कर सकती है किसी भी राज्य सूची के विषय को, ठीक है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास नहीं। दूसरा जो है आर्टिकल 312 इस बात का उल्लेख करता है या करती है, उसमें कहा गया है कि अनुसार राज्यसभा को अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब IPS IAS, इन पदों का सृजन करने का अधिकार भी किनके पास है, राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास नहीं। दो विशेष शक्तियां और कार्य हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, इंपोर्टेंट कर लेना इस चीज को, बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है ये चीज। आर्टिकल 249
आर्टिकल 249 में इस बात को उल्लेख, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी राज्य सूची के राज्य सूची का विषय उसको सदन में उपस्थित और मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्यों अगर दो तिहाई बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो किसके सदस्य, राज्यसभा के, तो वो विषय राष्ट्र स्तर का महत्व का बन जाता है। ठीक है, 312 में इस बात का उल्लेख है कि जो सिविल सर्विसेज है उनके पदों का सृजन भी राज्यसभा के पास है, ये विशेष अधिकार है राज्यसभा के। दो तो हमने लोकसभा की अधिकार शक्तियां पढ़ी, हमने राज्यसभा की भी विशेष अधिकार शक्तियां पढ़ ली। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए हटके मैंने बताया ये चीज है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इनको पढ़िएगा घर पे बार बार, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको ध्यान दीजिए बेटा आप। और जो कोई सब चीज आपको विषय वस्तु समझ में नहीं आती है उस संदर्भ में आप फोन करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।